हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी बज रहे हैं, कितने बज रहे? अभी बज रहे हैं 2। हाँ, तो ये देखो, ये नहा के निकली है और हाथ पैर में क्या लगा रही है? बॉडी लोशन लगा रही है निर्भया की। तो अभी बज गए 2 और मैंने ब्लॉग आज लेट स्टार्ट करी। क्यों? क्योंकि आज काम ज़्यादा था और कपट वगैरह साफ करी, क्योंकि सारे प्रेस के लिए कपड़े निकालने का था, तो इसलिए टाइम हो गया। तो ब्लॉक में इस वजह से लेट स्टार्ट करी। तो हम लोगों का काम वगैरह सब हो गया, शावर भी हो चुका है सबका। तो अभी मैं बस शावर लेके गाउन पहन के ही बाहर आई हूँ। तो अभी मैं चेंज करूँगी। पहले तो आज मुझे वापस बाहर जाना है, जो गणपति कल मैं बुक करके आई थी, तो उसके लिए मुझे उनके कुछ जो कॉस्ट्यूम रहते हैं, जो उनके वस्त्र रहते हैं ना, उसका मुझे कलर डिसाइड करने जाना है। तो जो भैया थे वो बोले आप कल आ जाओ दोपहर में, तो आप लोग को मैं जो भी लेकर आऊँगा, उनके जो वस्त्र वगैरह रहते, जो कॉस्ट्यूम उनका रहता है, तो उसमें से मैं कलर चॉइस करूँगी। और जो उनके ज्वेलरीज रहती है, जो उनको थोड़ा बहुत डेकोरेशन करते हैं वो लोग, तो उसको अभी मुझे जाकर बताना है कि कैसा करना है और कैसा नहीं, क्योंकि कल ऑप्शन नहीं था उनके पास, उनके घर पे रखा हुआ था। तो वो बोले आप कल आ जाओ तो मैं आपको कल दिखा देता हूँ। तो मैं पहले तो मैं हो जाती हूँ रेडी, और ये लोग हो चुके हैं रेडी। ये लोग देखो हो रहे हैं। तो अभी मैं पहले तो, क्योंकि कम से कम 3 से 4 दिन हो गया, 4-5 दिन हो गया, मैं रील्स भी नहीं बनाई हूँ। तो मैं पहले रेडी हो जाती हूँ, रील्स बनाती हूँ, फिर रील्स बनाने के बाद फिर और फिर बाहर बाकी का जो काम है बाहर जाके फिर वो काम मैं निपटाती हूँ। तो थोड़ी देर के बाद मैं मिलती हूँ मैं। तो गाइस, कपड़े भी निकाली हूँ मैंने स्त्री के लिए। तो ये है सारे कपड़े, अभी प्रेस वाला आएगा फिर वो लेके जाएगा लॉन्ड्री वाला। तो आज ये कबड सारा साफ करी। ये इनका शक्ल दिख रहा क्या? मैंने साफ खाली। तो ये आज सारा कबड साफ कर रही हूँ, क्योंकि एक कपड़े निकालते थे पूरे गिरते थे। और अभी ये कबड बाकी है, एक कबड हो गया है, अभी एक कबड का बाकी है। नहीं हो गया कहाँ? मैंने नहीं की। तो ये भी ठीक है, पर थोड़ा सा मुझे नहीं लग रहा है। ये देखो नीचे का अभी कितना गंदा है। खराब किया ये कपड़े। और ये मेरा साड़ी का सब इधर उधर फैला हुआ है। तो ये बोलती है मैंने साफ करी, झूठी। मैंने हाँ, अभी का जब टाइम मिलेगा तो दूसरा वाला मैं साफ कर लूंगी। तो गाइस, अभी हम लोग चलते हैं बाहर। आप लोगों को बताई थी ना मैंने कि बाहर क्या? हाँ, 1 मिनट। हाँ, बंद कर, कड़ी लगा, नहीं तो धड़ धड़ बजेगा दरवाजा। हवा आ रही है। तो चलते हैं फिर फटाफट हम लोग बप्पा के कॉस्ट्यूम का कलर डिसाइड करके आते हैं गाइस। तो ये दोनों लड़की लोग चली गई है नीचे, और अभी मैं चलती हूँ। तो मिलते हैं सीधा शॉप पे। तो गाइस, अभी हम लोग आ गए हैं शॉप पे। अब देखते हैं तो गाइस, अभी मैं आ चुकी हूँ घर पे। जो मैं बप्पा के जो कॉस्ट्यूम था, जो भी उनको डेकोरेशन करना था, तो वो मैं सारा फाइनल करके आ चुकी हूँ। और मैं वहाँ पे आप लोगों को ब्लॉग नहीं दे पाऊंगी वहाँ पे, क्योंकि काफी गर्दी थी। और वो भैया सबको, क्योंकि काफी लोग थे, सबको अपने अपने बप्पा को दिखाना था कैसा उनको कॉस्ट्यूम डिसाइड करने के लिए। तो इसलिए मैं वहाँ पे आप लोगों के लिए वो ब्लॉग नहीं ले पाई हूँ, तो उसके लिए सॉरी। तो जब घर पे आ जाएंगे पप्पा, तब तो सब देख ही लोगे। और साथ साथ में मैंने मार्केट भी करके आ गई थी, तो आज लेके आई हूँ सब्जी में मैंने भिंडी, जो बिल्कुल पसंद नहीं। और ये लड़की को बहुत भिंडी पसंद है, सिर्फ पूछेंगे ना क्या लू तो भिंडी। और रिते को क्या पसंद थी? भिंडी। तो फिर वो मैं एक बोलते ना, क्या बोलते हैं, पापड़ी बोलते ना, पापड़ी की फली, जब वो ले रही थी तो क्यों मना करी? वो नहीं अच्छी लगती। क्या क्या वापस? वो नहीं अच्छी लगती। तो अभी देखो गाइस, अभी क्या बोली? मुझे
मुझे सब पसंद है। तो फिर मैं वो सारी चीज लेकर आ गई, भिंडी लेकर आ गई और टिश्यू खत्म हो गया था, टिश्यू पेपर लेकर आ गई और मेरे कानून के हाथ कहाँ गए? क्या बोला तूने? तो ये देखो गाइस, मेरे कानून के हाथ देखो, ये है हाथ कानून के, तो ये भी मैं लेकर आ गई। तो क्या नाचोगे? यहाँ चालू है पूजा, तो ये पूजा कर रही है। पूजा करने के टाइम हाय और बाय नहीं करते, जय श्री राम बोलते हैं, जय श्री राम। तो मैं पहले चाय पी लेती हूँ क्योंकि बाहर से लेट आए, तो यहाँ चाय भी बन रही है, तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ बस बन रही है चाय मेरी, क्योंकि सिर्फ अभी मुझे ही पीना है शाम की चाय। मैं पहले चाय पी के फिर काम से चाय पी लेती हूँ, फिर फटाफट काम से लगती हूँ। तब तक भिंडी वगैरह धो लेती हूँ, तो उसको सुखा लेती हूँ, फिर फटाफट काट के खाना वगैरह बना के मस्त में खा पी के फिर, अभी तो बिल्कुल बोरिंग हो रहा है क्योंकि बिग बॉस ख़त्म हो चुका है ना गाइस, तो बहुत बोर हो रहा है पता है, तो कुछ नहीं। पर तो भी हम लोग वेब सीरीज देख लिए है, कल देखे थे क्या नाम था वो, ताली, जो सुष्मिता सेन की है ना मूवी, ताली अच्छी है वो। और एक और मूवी थी कालकूट, वो तो बहुत अच्छी है, जो बोलते ना लड़कियों के ऊपर में जो आइसेट वगैरह फेंक देते हैं, उसके वो टाइप की स्टोरी में थी, बहुत मुझे तो बहुत वाली मूवी पसंद आई। और वो पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री में रहती है, तो जियो सिनेमा में हम लोग ये सारी वेब सीरीज देखते हैं, और जो जो नवी नवी आ रही है ना वो सारी अच्छी है। जो अभी मूवियाँ आ रही है ना उसके हिसाब से तो ये वेब सीरीज बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये मतलब ना एक इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, वो एक एक्साइटमेंट रहता देखने के लिए, तो ऐसा लगता नहीं पूरी ही देखना ही चाहिए। तो जो कल हम लोग ने देखे थे फर्स्ट वाले का पार्ट, एपिसोड 8 तक का था है ना, 8 तक का एपिसोड था ना, 8 था और वो उसका भी 8 था, दोनों का बहुत अच्छी लगती है ऐसी मूवी है मुझे। और अभी ये भी आई है गदर 2, वो भी मुझे देखने का है, बहुत अच्छी है बोलते, क्योंकि मुझे सनी देओल की जो ऐसे टाइप की मूवियाँ रहती है ना मुझे बहुत पसंद है, मुझे सनी देओल भी पसंद है, और सबसे उनके जो पप्पा है धर्मेंद्र, वाह वो तो फेवरेट हीरो है मेरे पुराने में से, क्योंकि उनकी जो एक्टिंग जट यमला पगला दीवाना वो मुझे बहुत पसंद है, भले उनको डांस नहीं आता पर वो जो एक या दो स्टेप करते ना वाह अलग ही लगता वो तो मुझे। तो देखेंगे, अभी तो कुछ नहीं, वो थोड़े अभी मेरे मोबाइल में एक ऐप है मूवी का उसमें आ जाती है, तो इसलिए थिएटर में जाके नहीं देखते, और मेन चीज़ हम लोग टीवी में लगा लेते हैं, तो क्यों खर्चा करना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग टीवी में देख लेते हैं, इसलिए थिएटर का मुझे भी इतना खास शौक नहीं है, क्योंकि हफ्ता 15 दिन के बाद में टीवी पे आ ही जाता, और टीवी पे क्या मोबाइल पे ही आ जाता है वो पिक्चर का एक ऐप है, तो उस पे हम लोगों का मूवी आ ही जाती है, तो इसलिए मैं बाहर जाके खर्चा नहीं करना पसंद करती हूँ। तो बस यही सब था, और अभी चलती हूँ मैं खाना बनाने, चाय पी के मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। हाँ गाइस, सुबह से मैंने कपड़ा पूरा निकाल करके रखी हूँ, और अभी तक का मेरा लॉन्ड्री वाला आया नहीं, 2 बार उसको कॉल कर लिए, बोलते हैं हाँ आ रहा हूँ मैडम आ रहा हूँ, तो आप लोगों को मैं दिखा दूँ कपड़ों की कितने बुरी तरीके से ढीग लगी हुई है, तो ये देखिए कैसा कपड़े पड़े हैं, कितना गंदे दिख रहे हैं, बेड पे पड़े हुए थे तो मैं उठा के इधर रख दी। और ये देखो मेरा इसका ड्रेसिंग आईने का है ना, ये जो लॉक है वो खराब हो गया है, तो इसको मैं ऐसा एडजस्ट करके रख देती हूँ, जुगाड़ी हूँ, जब आएगा तब आएगा लॉन्ड्री वाला, उसके चक्कर में मैं नहीं पढ़ती हूँ, अभी नहीं, शायद आज नहीं आया तो सुबह तो आ ही जाएगा, क्योंकि वो बोल रहा था कि मेरे दुकान में ज़्यादा बंदे लोग नहीं हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो मैं जैसा टाइम मिलेगा मैं वैसा आता हूँ, मैं बोली ठीक है चलेगा। तो अभी मैं बना लेती हूँ,
आगे आओ मेरी चाय आगे, थैंक यू। चलो फिर चाय पी के फिर लगते हैं काम से। आपको कुछ बोलना है? ये देखो कैसी साथ में कानून गाते हो मस्त है, पर कुछ जाने के लिए जाते बैठो तुम लोग। मेरे को नहीं होती, तुमको ही होती, पापा को होती है जाते। ये डैंड्रफ के लिए अच्छा है। वुमेन ऐसे ऐसे पूजाने का दिखाती कैसे आप लोगों को, मैं डेमो बताती हूँ। वाओ ये देखो बाटल से पानी पी रही, ढक्कन भी खोली नहीं। देखो ऐसे ऐसे पूजाने का टैंक 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 टैंक, तो ये आज मेरी नई चीज आई है घर में। वाओ यार ये तो मस्त है ना, जाने के लिए कोई लंबा बैठा है ना, किसी को ऐसा लगा ना तो ऐसा पूजा देखो। और फिर ये ऐसा वाओ 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 अच्छा लग रहा है वैसे तो मुझे। ये देखो क्योंकि ये ना ऐसा डैंड्रफ जब हो जाते हैं ना तो ऐसा बहुत गंदा वाला वो होता है, तो नाखून क्यों खराब करने का, तो इसीलिए 2000 years later। तो गाइस खाना मेरा बन चुका है और अभी मैं बैठी हूँ खाना खाने। हम मैंने सभी बैठे हैं तो आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। तो ये बनी है भिंडी, ये है भिंडी, चपाती, राइस सॉरी दाल, और ये है राइस। ये सब्जन बैठे खाना खाने। तो ये है ए लड़की पागल, ये क्या है? ओहो दीदी नाच रही हो। गाइस आप लोग भी आ जाओ खाना खाने, और अभी बज रहे हैं 10:30, तो अभी मैं खाना वाना खा के हम लोग फिर बाकी का रात के बर्तन वगैरह धो धा के खा पी के फिर बाद में हम लोग थोड़ा सा मूवी देखेंगे। थोड़ा सा नहीं, मैं पूरी देख मेरा मेरे मूड के ऊपर में है, मैं थोड़ी सी देख के सीधा सोने चल दूंगी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा तो कमेंट में प्लीज गाइस जरूर बताना। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले गाइस बाय बाय।